जब सलमान खुर्शीद कहते हैं अपनी किताब में कि हिंदुत्व का मतलब वही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है आई एम पैराफ्रेजिंग इट वही वही आइडियोलॉजी है जैसी बोको हराम या आइसिस की है तो इस सोच को आप क्या कहेंगे मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आपको आश्चर्य हो रहा है और मैं इस आश्चर्य का यहाँ पर खेद व्यक्त इसलिए कर रही हूँ नाविका जी क्योंकि आप भारत की उन उत्तीर्ण एडिटर्स में से हैं जिनका रिसर्च बहुत तगड़ा है जिस सज्जन की किताब की आप बात कर रहे हैं और मुझे मैं सार्वजनिक रूप से इस सभागार में उपस्थित हर हिंदुस्तानी से माफ़ी मांगूंगी जो मैं कहने वाली हूँ उस सज्जन ने किताब डेढ़ दशक पहले लिखी थी जिसमें इस व्यक्ति ने लिखा था चौरासी के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं और सिखों ने अपने पार्टीशन के पापों की सजा भोगी है यह सलमान खुर्शीद ने कल दो दिन पहले एक साल पहले नहीं लिखा डेढ़ दशक पहले लिखा था और उसमें लिखा है एक नंबर पृष्ठ है पेज है पढ़ लीजिएगा कि कितना मजा आया कि हिंदू और सिखों ने चौरासी के दंगों में अपने पापों की सजा काटी आप अगर वो पढ़ती हैं, ये जो लिखा है आपको आश्चर्य नहीं होता आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि वो लोग जो चुनाव के आते ही मंदिर मंदिर घूमते हैं वो कम से कम ये बता दें कि क्या वो वाकिफ हैं सलमान साहब ने हिंदू और सिखों के बारे में क्या कहा था क्या हिंदू और सिखों ने पाप किया था जो चौरासी के दंगे में हमें मौत के घाट उतारा गया ये वो न्यू फाउंड हिंदूज बता दें बड़ी कृपा होगी उनकी